आप सभी का स्वागत है रविजोन बिजनेस आइडिया में। तो साथियों, आज आए हैं हम श्रीराम स्टील उद्योग सिरसा हरियाणा, जहां हम देखेंगे और जानेंगे जापानी चादरों से बनी हुई विंडो और चौखट, अलग अलग मॉडल और अलग अलग डिजाइन में। तो चलिए देखते हैं। नई वीडियो जल्दी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को जरूर दबाएं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे रविजोन बिजनेस आइडिया में। सामने से जो मेरे व्यूअर, मेरे सब्सक्राइबर हमें और आपको देख रहे हैं कैमरे की नजर से, पहले आप जो है उन्हें एक अपना संक्षिप्त सा परिचय दें। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, मैं प्रवीण कुमार, श्रीराम स्टील उद्योग SRS एंटरप्राइज सिरसा से। तो सर, आपकी फर्म जो है क्या कर रही है और क्या तैयार कर रही है, और कितने दिन से ये आपकी फर्म चालू है? सर, हमारी ये फर्म 1984 से स्टार्ट है। हमारे पिताजी का ये पुराना काम है और हम PPGI शीट के जापानी चादर बोलते हैं, उसी के चौखट और जंगले बनाते हैं, डोर विंडो फ्रेम। तो सर, जो आप विंडो और चौखट तैयार कर रहे हैं वो किस तरीके से तैयार करते हैं? सर, लगभग ना आपने यहाँ पे CNC मशीनों द्वारा चौखटें तैयार होती है, चौखट और जंगले। तो चलिए आपको दिखाते हैं। तो सर, ये जो आप विंडो और चौखट बना रहे हैं उसका जो मटेरियल है वो क्या है? सर, ये बंडल आप सामने पड़े हुए हैं, देख रहे हो जी, ये है PPGI डोर विंडो फ्रेम के लिए है। PPGI मटेरियल है, प्री पेंटेड गैल्वनाइज आयरन शीट हो गया। इसको हम सिंपल भाषा में जापानी शीट बोल देते हैं, जापानी चादर कह देते हैं सिंपल भाषा में। इसी के हम डोर विंडो फ्रेम बनाते हैं। अच्छा, ऐसा तो नहीं है कि इस पे जंग वगैरह कुछ आ जाए? ऐसा कुछ नहीं है सर। ये जो बड़ी इंटरनेशनल कंपनियां है वही इसी मटेरियल को बनाती है। इस तरह ACN हो गया, SR हो गया, नेशनल कंपनियां हो गया, JSW हो गया, जिंदल हो गया, उन्हीं का मटेरियल हम यूज करते हैं। अदरवाइज बिना कंपनी का हम कोई मटेरियल यूज नहीं करते सर इसमें। हाँ जी सर, ये हम जो सामने देख रहे हैं जी, ये है CNC ऑटोमेटिक कटिंग मशीन। इसके ऊपर ऑटोमेटिक क्वाइल चढ़ गया, ठीक है जी, और मशीन को ऑन करते हैं तो इसमें जो साइज अपने को चौखट जंगले बनाते होते हैं, जितनी भी ऊंचाई है इसकी, इसके अंदर फीड करते हैं स्क्रीन के अंदर। अच्छा। और अपने आप कटिंग करके बाहर आगे टेबल पर ये निकाल देती है। इसमें ये नहीं भी शीट अपनी कम कटिंग हो रही है, ज्यादा कटिंग हो रही है, या बिल्कुल जो सिंपल भाषा में हो गया अभी बिना गुणिये के नहीं है भाई। हम अपने हाथ से अगर काट रहे हैं तो उसमें कहीं ना कहीं दिक्कत होगी, इसमें फिनिशिंग नहीं होगी, गुणिये में नहीं होगी। इसमें ये देखो, ये कटिंग हुई है और इधर मशीन चलने लग रही है। इसकी एक्यूरेसी देखो, एकदम प्रॉपर मिलेगी आपको एंगल में। हाँ, कोई ये नहीं कि भाई धांस है या क्या है, कोई मतलब ऐसा नहीं है, कहीं कम ज्यादा कुछ नहीं है। वहाँ हम देख रहे थे CNC ऑटोमेटिक कटिंग हो रही थी जी। उसके बाद में शीट कटिंग होके अब अपना नंबर आता है इसको बेंडिंग कैसे किया जाए और कैसे हम बेंड कर रहे हैं। तो ये आप देख रहे हो इधर अपने पास ये CNC ऑटोमेटिक फुली ऑटोमेटिक मशीन है जी। इसमें इधर स्क्रीन लगा हुआ है। अब इसकी हमको क्या जॉब बनानी है, कितने पे बेंड करना है, क्या करना है, सारी मशीन ऑटोमेटिक अपने आप बेंड करती है। हाँ, वो स्क्रीन पे जो है सब कुछ दिखा रहा है। हाँ, स्क्रीन पे बिल्कुल आप देख रहे हो और जो मशीन में देख रहे हैं ऑटोमेटिक, कौन सा बेंड कहाँ करना है, कितने नंबर पे कर रहा है, सारी मशीन ऑटोमेटिक बेंड कर रही है। और इसका बेंडिंग का ये फायदा है, इसमें एक तो एक्यूरेसी प्रॉपर रहती है जी। यूं नहीं कि भी बेंड कहीं कम कर रही है, कहीं ज्यादा कर रही है, वो नहीं, बिल्कुल एकदम 90 डिग्री एंगल आता है, ठीक है जी। और जो भी मतलब बेंड प्रॉपर है एकदम पूरे पीस पे, कहीं कम नहीं है, कहीं ज्यादा नहीं है। इसका फायदा ये है कि लकड़ी के पल्ले की फिटिंग एकदम इसमें प्रॉपर आती है। अच्छा, यूं नहीं कहीं बैंड कम होता है, ज्यादा आता है तो प्रॉपर पल्ला बंद नहीं हो पाता। हम देखें तो ये यहाँ पे, हाँ जी जी बैंड हुए हुए हैं। हाँ, ये बैंड हो रहे हैं पीस अपना बिल्कुल एकदम जो है, हाँ बिल्कुल एकदम एंगल में है, एंगल में है एकदम बिल्कुल, ठीक है, बेहतरीन तरीके से बेहतरीन। और इसका मशीन का एक ये फायदा है, इसमें हम कोई भी जॉब बना सकते हैं अलग अलग। इसमें अलग अलग जॉब ड्राइंग बनती है और इसके अंदर फीड हो जाती है। ये जॉब इसका फ्रंट कम है, ज्यादा है, ज्यादा फ्रंट करना तो ज्यादा ज्यादा हो सकता है। हर जॉब इसमें तैयार होती है और इसमें कई तरह की जॉब हम तैयार करते हैं, वो हम बाद में आपको आगे तैयार हुई दिखाएंगे।
भी ये जॉब इस मशीन से हम तैयार कर सकते। अब जो ये लड़का लगा हुआ है अपने यहाँ, ये स्टील ग्रिल के लिए विंडो में जो स्टील ग्रिल सिक्योरिटी प्लस डिजाइनिंग के लिए अलग अलग साइज की जो सरिये वगैरह लगाते हैं, जो डिजाइनिंग बनाते हैं या कुछ है, तो उसके लिए होल, उसके होल प्रॉपर एकदम एक्यूरेसी से जो स्टील का पाइप है उसके साइज से ही होल करते हैं हम। तो सर जी, ये जो लेडीज हैं, ये मैम हैं, ये क्या कर रही हैं? ये सर वहाँ से अपना तैयार बैंड होने के बाद में यहाँ आता है जी। इसमें ये कब्जे लग रहे हैं, हिंग्स हो गए बीच में, जो अपने को चौखट तैयार होने के बाद में जो लकड़ी के पल्ले लगते हैं उसका ये प्रोसीजर है। ये भी है ना, वेल्ड नहीं करते, आप देख रहे हो इसमें भी कोई वेल्डिंग का काम नहीं, वेल्डिंग का कोई काम नहीं, कोई काम नहीं। ठीक है जी। इसके बाद में आता है जी अपना ज्वाइंट, इनको ज्वाइंट कर रहे हैं जी। ठीक है जी, ये सभी लगे हुए हैं, ज्वाइंट का काम है। अच्छा, अब जैसे ये अलग अलग साइज की हैं और अलग अलग तरीके से ये जॉइंट करें, कुछ छोटे पीस हैं, कुछ बड़े हैं, हाँ जी सर, वो जो जैसा साइज है उसी हिसाब से, हाँ जो जैसी ड्राइंग है, जा रहा है, हाँ जो जैसी ड्राइंग है, जैसा साइज आता है उस पे ये तैयार हो जाता है। और इसकी अपनी खासियत ये है, इसमें आप देख रहे हो खाली जॉइंट, बहुत कम वेल्डिंग वाला काम है अपने पास, जो है नॉर्मली बहुत ही कम वेल्डिंग वाला काम है, हाँ बाकी सब कुछ जो है लॉक से और उससे जुड़ा हुआ है, लॉकिंग सिस्टम से जुड़ा हुआ है। आम मार्केट में देखते हैं, जाते हैं तो सारा वेल्डिंग ही वेल्डिंग होता वेल्डिंग है पूरी सीट के ऊपर। हाँ जी सर, वहाँ से अपनी ज्वाइंट होने के बाद में चौखट आती है फाइनल फिनिशिंग पे। अच्छा, तो ये फिनिशिंग हो रही है? हाँ ये फिनिशिंग हो रही है, इस पे ज्वाइंट पे है ना, जो मेन ज्वाइंट है उस पे हमने पुट्टी लगाई है, वो भी ऐसी पुट्टी हार्डनर, नॉर्मल पुट्टी नहीं है। अच्छा ठीक है, जो यूज समझो कि महंगी गाड़ियाँ आती है, कारें आती है, उनमें यूज होती है ये मटेरियल है। इसको हम ये ग्राइंड कर रहे हैं, ये इसको एकदम प्रॉपर तरीके से ज्वाइंट एकदम प्रॉपर हो जाता है। इसके बाद में सर हम पेंट फाइनली है ना चौखट के ऊपर, एक तो कंपनी का पेंट आता है, हम इसको फिर से पेंट कर देते हैं, सारी के ऊपर दोबारा से पेंट करते हैं। तो कहीं ना कहीं सर अगर ये बात की जाए तो इस पेंट की जो है कितने दिन की लाइफ है ये पेंट की? सर लॉन्ग लाइफ है, इसमें हम बढ़िया जो भी मटेरियल होता है कंपनी का यूज होता है जी। ठीक है जी, इसकी एक तो फिनिशिंग होगी एकदम प्रॉपर और पेंट हो गया इसके साथ में। अच्छा, आप पेंट होने के बाद में, हाँ पेंट होने के बाद में ये देख रहे हो चौखट अपनी खड़ी है, ये बिल्कुल माल जाने के लिए एक्यूरेट तैयार है, इसमें सारी के ऊपर पेंट कर दिया है। उसके बाद में ये जो है पिन्नी से पैक हुई है ऊपर, हाँ, जैसे मतलब रगड़ वगैरह ना लग जाए, हाँ, रस्ते में पैकेजिंग इसलिए कि ट्रांसपोर्टेशन में खराब ना हो। तो जैसा कि मैं देख रहा हूँ यहाँ पे, ये जो है ये जो प्लास्टिक के ये फंसे हुए, ये किस के हिसाब से? हाँ जी सर, ये हमने मशीन से पहले ही कटिंग की हुई है CNC ऑटोमेटिक मशीन से, जिसमें लकड़ी का पल्ला लगेगा तो उसके अंदर हैंडल लॉक लगता है जी। तो बाद में इसकी कटिंग ठीक से हो नहीं पाती, हमने मशीन से पहले प्रॉपर तरीके से कर दी है। और जो टॉप देख रहे हो सबसे ऊपर चिटकनी लगती है, उसकी भी कटिंग करके हमने इनके अंदर PVC कैप डाल दिया है। बहुत अच्छे, तो बाद में दिक्कत नहीं आती। अब हमारा हिंज देख रहे हो, ये कब्जा लगा हुआ है, ये आप देखो वेल्डिंग नहीं है, विद PVC स्ट्रिप से फिटिंग है। ठीक है सर जी, इसमें कब्जा प्रॉपर फिटिंग हो गया है। इसमें ये होल देख रहे हो, इसमें स्टील ग्रिल डलनी है तो उसी के जो स्टील ग्रिल डलनी है उसके हिसाब से ही हमने ये होल कर दिया, इसमें स्टील ग्रिल डालेंगे। तो सर अगर हम विंडो या चौखट की डिजाइनों की बात की जाए तो आपके यहाँ कितनी डिजाइनों में ये विंडो और चौखट तैयार होती है? इसमें बहुत डिजाइन बनते हैं, इसमें अलग अलग तरीके से, वो हम आपको सैंपल दिखाएंगे अलग अलग कैसे बनते हैं, किस तरीके से बनते हैं। ठीक है जी, जो आर्किटेक्ट आपके जो भी डिजाइन देता है, साइज देता है, उसके हिसाब से हम प्रॉपर तैयार हो जाती है। अब अगर हम बात करें, ये डबल पैटर्न की चौखट रखी हुई है, एक बार भी देखने में कलर होने के बाद में बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा है कि ये लकड़ी की है या किसी और मटेरियल की है। दूसरा क्या है कि लकड़ी में ये फिनिशिंग नहीं हो सकती जी सर, बिल्कुल जी सर। एकदम क्लियर है। तो एक तो ये मैं देख रहा हूँ कि एक डिजाइन ये है, और कौन कौन से डिजाइन आप दिखाना चाहेंगे? इसमें ये देख रहे हो वुडन साइज है, पूरा फुल साइज है, सामने से देखो जी। इसमें हमने हाँ पेंट पॉलिश करके ये तैयार कर रखा है, तो आप देख रहे हो पूरा वुडन साइज है, इसमें रेसे बने हुए हैं और डबल बादाम की चौखट है ये जी। और इसमें फिनिशिंग के ऊपर जाएंगे तो वुडन से भी ज्यादा फिनिशिंग है। ठीक है सर, इसके बाद में ये चौखट आप नीचे वाली देख रहे हो,
इसमें देख रहे हो सिंगल पैदाम की चौखट है, इसमें अलग डिजाइनिंग बना हुआ है। अच्छा, ये इधर टेपर हाँ, है ये आगे से इसमें टेपर बना हुआ है। नॉर्मली ये कहीं बन नहीं पाता, ये सिर्फ जो हमारे पास मशीनें हैं उनसे ये बन सकता है। पूरा एकदम आगे से टेपर हो गया, ये अलग डिजाइन बन गया, ठीक है सर जी। और इसमें अलग अलग सेक्शन बनता है, ये वुडन साइज है, इसके नीचे देखोगे आप नॉर्मल साइज, कोई नॉर्मल साइज की डिमांड करता है, आगे से ये नॉर्मल साइज है। अगर ये नॉर्मल साइज हम कहें तो इसकी जो मोटाई है वो कितनी है? इसकी मोटाई है ये 2 इंची है जी। इसके बाद में बनता है 2.5 इंची बनता है। अच्छा, ये पूरा 3 इंची में आ गया वुडन साइज जी पूरा। और इसमें जो हिंज है वो भी इसमें देखोगे, ये देखो अलग साइज से लगा हुआ है। इसमें मैं आपको दिखाता हूँ, ये लगा हुआ है, ये देखिए, वो हम देख रहे थे विद पीवीसी स्ट्रिप। इसमें क्या है कि इसमें कोई हमें बोलता है कि हमें इसमें स्टील के पल्ले लगवाने हैं या रेडीमेड अल्मीनियम पल्ला लगवाना है, तो सीट के अंदर हमने कटिंग करके हिंज को नीचे बिठा दिया। लकड़ी में तो कट लग जाता है, अल्मीनियम में या स्टील में कट नहीं लग पाता, तो ये कब्जा बाहर नहीं रहेगा, प्रॉपर इसके अंदर एकदम बराबर आ गया। तो इसमें कट करके हमने इसको बिल्कुल नीचे फिटिंग कर दिया, अंदर जो है बिल्कुल उसमें फिट है ये, बिल्कुल एकदम फिटिंग आएगा। तो सर मैं जैसा देख रहा हूँ ये इसमें रबड़ लगी हुई है, इसका क्या कारण है, ये रबड़ क्यों लगाई हुई है? जी सर, ये बिल्कुल ये नहीं कुछ अलग लग रहा है देखने में। हाँ जी, ये अलग ही आइटम है और ये बिल्कुल नया प्रोडक्ट है। ये अब हम मशीन ये तुरंत अभी लेके आए हैं और हमारे पास ये मशीन मतलब ऑल ओवर इंडिया में पहली मशीन आई है जो ये प्रोडक्ट तैयार करती है। ये जिस तरह हम नॉर्मली भाषा में जाएं तो जिस तरह गाड़ी की बारी बंद करते हैं उसी तरह इसमें लकड़ी का पल्ला बंद होता है, कहीं बिल्कुल मतलब कोई जगह नहीं रहती। इसको हम साउंड प्रूफ बोल अच्छा, सकते हैं, एयर टाइट हो जाएगा, बिल्कुल कोई आवाज अंदर नहीं जाएगी, बिल्कुल साउंड प्रूफ हो जाएगा। आजकल एसी का जमाना है, बिल्कुल मतलब एयर प्रूफ हो गया, कूलिंग बाहर नहीं आएगी, बिल्कुल एकदम प्रॉपर। कई बार क्या है स्टूडियो वगैरह में कोई बाहर की आवाज नहीं जानी है तो उसके लिए ये जो है पूरी तरह बंद हो जाएगा, पूरी तरह बिल्कुल एकदम बंद हो जाएगा, ना ही आवाज जा रही है ना ही कोई एसी की कूलिंग है, तो ठंडा होने का कोई इसमें नहीं। तो ये हमारा बिल्कुल नया प्रोडक्ट है। तो सर अब आपने सारा प्रोसीजर दिखाया, लेकिन अब ये बात आती है कि फाइनल प्रोडक्ट हमारा देखने में कैसा लगता है? हाँ, बिल्कुल, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। हाँ जी, फाइनल प्रोडक्ट ये देखिए, हमने ये तैयार कर रखा है। इस पे हमने रेसे वगैरह भी कई बार, कस्टमर के मन में यूं आता है भी फाइनल कैसा तैयार होता है, पता नहीं लकड़ी की तरह हमें दिखेगा नहीं दिखेगा, बिल्कुल, बिल्कुल या वैसे तैयार होता है या नहीं होता है, दूर बैठे हैं कभी उसने देखा नहीं है, तो हमने ये लकड़ी की तरह बिल्कुल है ना जी ये तैयार किया हुआ है। इसको देखो, हमने इस पे रेसे बना दिए हैं, ये बिल्कुल आपके सामने है, इस पे रेसे बने हुए हैं, इसके अंदर स्टील ग्रिल डली हुई है, बिल्कुल एकदम प्रॉपर होल करके आर पार, हाँ, आर पार है, आर पार है, ऐसा लकड़ी में डल ही नहीं पाता। हाँ, ये मजबूती के हिसाब से बहुत बढ़िया है, के हिसाब से और डिजाइनिंग के हिसाब से। इसमें हिंग्स लगे हुए हैं, देखो बिल्कुल एस एस के लगे हुए हैं स्टील के, एकदम बढ़िया प्रॉपर तरह से फिटिंग है, ठीक है जी। और इसमें जहाँ चिटकनी लगनी है पल्ले लगाओगे, इसके होल है बिल्कुल प्रॉपर तरीके से पल्ले हो गए, इसमें पीवीसी कैप डली हुई है, और इसमें स्टील ग्रिल देखोगे जेएसएल का, जेएसएल इसमें क्वालिटी आती है, 304 ग्रेड का हमने डाला हुआ है, मतलब लॉन्ग लाइफ, कभी भी ये खराब नहीं होने वाला, एनी टाइम कपड़ा मारो और चमक इसमें बिल्कुल वैसी की वैसी रहेगी, ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद में ये आता है कस्टमर के भी, ये तो एक ही तरह का है भी, इस पे क्या पेंट कर सकते हैं हम, अलग करवाना है या कुछ और करवाना है, तो इसके भी हमारे पास ऑप्शन है, ठीक है जी जी। अब ये देखिए, इस पे कुछ अलग तरह से बना अलग हुआ से है, मतलब डिजाइन अगर, हाँ, डिजाइनिंग अलग से करवा सकता है। इस पे आप बिल्कुल देखोगे ये लकड़ी की तरह हमने सैंपल तैयार कर रखा है, बिल्कुल एकदम लकड़ी की तरह दिख रहा है, और फिनिशिंग इसमें लकड़ी से ज्यादा है। इसके अंदर हाथ यूं लगाओ, बिल्कुल सरफेस कहीं कुछ नहीं पता चल रहा, बिल्कुल, और इस पे कभी भी कुछ वो नहीं है भी पेंट उतरेगा खराब होएगा, इसमें हर ऑप्शन है। अगर बाद में अगर मतलब डिजाइन हमें चेंज भी कराना है करना तो फिर और दूसरा डिजाइन हम चेंज कर सकते हैं। ये एक और देख रहे हो, इसमें कुछ अलग तरह का पेंट किया हुआ है इसमें, तो ये अलग बहुत अच्छे से देखो ये बने हुए हैं। हाँ जी जी, बिल्कुल एकदम वुडन लुक दिखाई दे रहा है। तो इसमें हमारे पास हर ऑप्शन है, इसमें नॉर्मल पेंट कर सकते हो, बढ़िया पेंट कर सकते हो, कोई भी पेंट कर सकते हो। तो सर आपकी जो कंपनी है किन किन मानकों पर प्रमाणित है और किन किन से मान्यता आपको मिली हुई है? सर ऐसा है, आप पीछे देख रहे हो हमारे इस पे ये सर्टिफिकेट लगे हुए हैं जी। सबसे पहले आता है भी
कस्टमर के दूर बैठा है, उसके में डिमांड आती है, पता नहीं कैसा बना रहा है, क्या बना रहा है, कुछ नहीं बना रहा, क्या क्या कौन क्या कर रहा है, मार्केट है, सब कुछ होता है, ISO प्रमाणित है, पीछे अपनी सर्टिफिकेट लगा हुआ है, ISO प्रमाणित है, बिल्कुल सरकार से इसके बारे में मान्यता हमें मिली हुई है जी। ठीक है सर जी, इसके बाद में हमारे पास और भी है, वेस्टेज का है भी, वेस्टेज ये नहीं भी हम प्रदूषण कर रहे हैं या वेस्टेज जो इसमें हर चीज में स्क्रैप निकलता है, हमारी फैक्ट्री है इसमें भी स्क्रैप निकलता है तो उसको हम वेस्टेज नहीं करते, उसका भी हम काम लेते हैं। अच्छा। इसके बाद में MSME ये भी सर्टिफिकेट हमारे पास में है। ठीक है जी, एक आजकल हम देखते हैं पूरे देश में चला हुआ है मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, तो इसमें भी हमने जोर दिया हुआ है लोकल फॉर वोकल, लोकल फॉर वोकल, वो भी हमारे सर्टिफिकेट है। तो भी जो इंडियन ही हम मशीनें बढ़िया लेके हैं क्वालिटी से, जो भी मटेरियल है इंडियन, जो चादर वगैरह है वो भी जो है इंडियन ही है, वो ही आप यूज कर रहे हैं और कंपनी की है बढ़िया जी। ठीक है जी, तो ये सारे सर्टिफिकेट हमारे पास मौजूद है, सरकार से प्रमाणित है। तो सर आपने जो है अपनी फैक्ट्री विजिट कराई और सब कुछ बड़े अच्छे से दिखाया, समझाया, हमें बहुत ही अच्छा लगा कि सब कुछ लाइव आंखों के सामने चल रहा है, बन रहा है, कोई झोल मोल वाली बात नहीं है और सभी जो है CNC मशीनों से काम हो रहा है, तो ये नहीं है कि नाप तोल में आड़ा तिरछा कुछ है, सब कुछ एक्यूरेट जी मिला। जी सर, बिल्कुल एक्यूरेसी से। अब बात ये आती है कि अगर बाहर से अगर कोई आदमी लेना चाहे, बहुत दूर हैं, नहीं यहाँ तक आ सकते हैं, तो क्या आपने कोई ब्रांच वगैरह भी अपनी खोली हुई है? जी सर, अपनी कई जगह ब्रांचेज है, जैसे नारनौल में है, सोनीपत में है, महेंद्रगढ़ में है, चंडीगढ़ में है, मोहाली के अंदर अपनी ब्रांचेज है, और भी कई छोटे शहरों कस्बों के अंदर अपनी ब्रांचेज हैं। तो अगर किसी को कांटेक्ट करना हो तो वो वहाँ भी कर सकते हैं। हाँ, वो सर एक चीज है कि अगर जैसे आपसे कोई कांटेक्ट करना चाहे या बात करना चाहे, आपकी कंपनी में आके देखना चाहे, तो वो कहाँ कांटेक्ट करे आपसे? जी सर, बिल्कुल कंपनी में आकर देख सकते हैं, तिरथा हरियाणा SRS एंटरप्राइजेज के अंदर, और ऊपर जो स्क्रीन के ऊपर जो अपने नंबर चल रहे हैं उन पर आप व्हाट्सएप कीजिए, कॉल कीजिए। तो सर आपने जो है ये सब कुछ चौखट और विंडो के बारे में ये सब कुछ बताया, अपनी कंपनी का विजिट कराया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।